الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد وهو الغفور الودود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد प्यारे भाइयों, आयत मैं अल्लाह पाक दे हुक्म नाला मैं तकरीर जल्दी इंशाल्लाह ख़त्म करना चाहना तमीज़ ना ख़त्म क्योंकि ठंड बड़ी है। तुसीं भी चंगी जमात हो जड़े वक्त नाल प्रोग्राम नू चलाया वक्त नाल इख्तिताम होया क्योंकि जिस प्रोग्राम तो बाद सुबह की नमाज ही मिस हो जानी है उस जलसे का फायदा की। प्यारे भाइयों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दा दौर सी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो खुफिया रातों रात सफ़र करदे हन, अचानक सुबह के टाइम जाके हाज़री लानी लोगों की उस इलाके दे विच जितने भाई होंदे सब हाज़र होंदे तो कहिंदे क्या बात, जड़ा हाज़र ना होंदा उन्हों कोड़े मार। एक नौजवान हाज़र नहीं सी, उनकी अम्मी हाज़र हो गई, उमर मेरे चिट्टे वाल, चिट्टिया वालों का हयात खुदा नूं भी है तुम्हें करेंगा, मेरा बेटा सारी रात क्याम करता रहा रो रो के, तो सुबह की अजान तो पहले उनकी अख लग गई तो उनकी नमाज तां फौत हुई। वेखो सारी रात रोंदियां गुजरी है मेरे बेटे दी ते उनकी नमाज सुबह दी जमात रही। उमरां दे अम्मा सारी रात तहज्जुद ना पढ़े कोई गल नहीं, पर सुबह दी जमात नहीं पढ़ेगा आज तो बाद मैनू कोई हया नहीं, मैं मारांगा जरूर। केड़ी शान है सुबह दी नमाज दी। मेरा ये मौजू नहीं है क्योंकि मैं चंद महीने पहले इस इलाके के अंदर बेनिमाजियों की धूड़ कट गया, लेकिन आज मैं ये नहीं बात करनी। हर वेले खुशक तकरीर ते गर्म तकरीर इंदा मैं कायल नहीं, आज मेरी खंड तो भी मिठी तकरीर है। पहले मैं इस इलाके के अंदर एक जगह से आया, हाँ हज़रत मौलाना अब्दुल गनी मुहम्मदी साहब को मैं जुमा पढ़ाया, वो मेरा जुमा सी दीदारे मुस्तफ़ा सलसल। आज है सुबहान अल्लाह, प्यारे सोने रब दा शान मुस्कराटे खुदा। आज अल्लाह हसिया किते किते, मैं ये सुनावांगा ते नाले सुनावांगा कि अल्लाह गफूर क्यों ते अल्लाह वदूद क्यों। अल्लामा साहब दा बयान लाजवाब बयान सुने, अल्लामा अब्दुल रज़ाक साज साहब बावकार इंसान, बेमिसाल, बहुत बाखलाक ते बड़ा प्यारा भाई, खूबसूरत भी खूबसूरत भी, ते बयान भी बड़ा सोहना करता, मुँह भी बड़ा सोहना, कौम भी सोहनी, साड़ी कौम का भी हार पूरा सोहरा। प्यारे भाइयों, एक ही साड़ी कौम का बंदा आया पर अजे तक तुसी उस तों बिना बण ते इला माणू असी वैसे ही काफ़ी पिछे हैं। ऐन लाम मीम ये तीन हरफ नू जमा करिए तो इलम बनता, मेरे को इलम दी ऐन भी नहीं। अलामा अब्दुल रज़ाक साजे साहब को जड़ा पहले तुसी समाप्त कर चुके हो, उन्हां को इलम दी मीम भी है, मेरे को तकवा कोई नहीं, उन्हां को तकवा बहुत है, मेरे कोल ते अंदाज कोई नहीं, उनके कोल ते अंदाज बहुत है, मेरे कोल मुताला कोई नहीं, उनके कोल मुताला बहुत है,
हर लिहाज नाल ओ बेमिसाल खतीब है, लेकिन मैं थोड़ी तरतीब तो परेशान हाँ। पहले नंबर मेरा लगना चाहिए सी, उन्होंने पिछे लगना चाहिए सी। प्यारे भाईओ, थोड़ी मिसाल ये है, पहले नमाज पढ़ ली ने हुण वुज़ू करदे पे हो। पहले वुज़ू होंदा फिर नमाज होंदी, क्यों जी इंज होंदा उस्ताद जी? प्यारे हो प्यारे। नारे तकबीर, शीरी बयान, माशाल्लाह, मौला कारी मोहम्मद यासिन बलोच साहिब जिंदाबाद। ये तो इन्हां बुजुर्गों का प्यार है, हुस्ने जन है। चले जाओ जिन्ना चाहना है, इलम ले गयो अपने कोल, कुछ नहीं होर भी किसी लैना, लैके जाना चाहते हो तो ले जाओ। मेरे प्यारे भाईओ, मैनू ये कोई मिस्सा पता नहीं, बंदे किन्ने बहन गए, किन्ने जान गए, कौन बवेगा कौन जाएगा। प्यारे दोस्तों, मेरा मौजू है शान खुदा, सुबहान अल्लाह पढ़, हौली हौली ना पढ़, उच्ची उच्ची पढ़, कोड़े रोवन नाल चुप चंगी है, उच्ची पढ़ लो। बंदा चंगा अल्लाह करे बैठा रवे जावे ना। तवज्जो चाहिए प्यारे भाइयों, अल्लाह गाफिर भी है, अल्लाह गफार भी है, अल्लाह गफूर भी है। गाफिर दा माना माफ करने वाला, गफार दा माना बहुत ज्यादा माफ करने वाला। नबी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, गफूर दा माना जो हमेशा तैयार बैठा होवे, लोग आन सही, रब गिला भी नहीं देंदा, तू आखिर ते आया है, बस आ तक गया है, अल्लाह ताना भी नहीं मारदा, तेरे आवाने च लेट है, मेरे माफ कराने च लेट कोई। बंदा वेंदा है निको कारानू, अल्लाह वेंदा है गुनेगारानू। आया बंदा नेको कारानू क्यों वेंदा है? दुआ करना चाहता, नेक बंदा दुआ करेगा, मैनू दुनिया आखरत दे फायदा हो जाएगा, मैं खिदमत करांगा, रब राजी हो जाएगा। बंदा वेंदा है नेको कारानू, अल्लाह दा नेक बंदा तो मेरा ही है, भावें मैं उठा दे विच बिठा के टुकड़े करवा देवां। नेक बंदा तो मेरा ही है, भावें मैं सूली ते खुबैब नू चढ़ा देवां। नेक बंदा तो मेरा ही है, भावें दादा दे नू चुल्ले ठंडे करवा देवां। नेक बंदे दी जरूरत सानू ज्यादा अल्लाह दा इस ते जाना कोई नहीं, ते गुनहगार बंदा जदों मेरे बूहे ते आ जांदा, मैं ना जल्दी दी गल पूरी सुन लो, क्यों इस अल्लाह बेलियां सजना दियां ते दुनिया ते बंदे भी मन दे आन, अल्लाह दा है। बंदा वेंदा है नेको कारानू, अल्लाह वेंदा है गुनेगारानू। वहू वल गफूर वदू, अल्लाह तो बड़ा माफ़ करने वाला कोई नहीं, ते अल्लाह तो ज्यादा प्यार करने वाला भी कोई नहीं। मेरे दोस्तों जरा गौर करिया, एक बंदा है 99 बंदिया का कातिल, हुण सुनिया जे जरा, 99 बंदिया नू मार के आया, घरों निकल पे, एक दाड़ी आला मिलया, हर दाड़ी आला मौलवी नहीं, भावें धुनी जड्डी भी होवे, हर दाड़ी वाला आलिम नहीं। उन्हें आलिम समझ के मसला पूछ लिया, आंदा यार मैं 99 बंदियां दा कातिल हां, मेरी तौबा होएगी के नहीं? ओ आंदा है एक बंदे दा कतल बड़ा वड्डा गुनाह है, तो 99 मारी बने
ਦਰੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੇਰੀ ਤੋਬਾ ਸ਼ੋਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾ, ਉਹ ਘੜਦਾ ਆ ਤਲਵਾਰ, ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਉਂਦਾ 99 ਬੰਦੇ ਭੇੜੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆਣ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੁਣ ਗਾਟਾ ਲਾ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੌਬਾ ਦਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਦੇ ਤੌਬਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਆਲਮ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਆਲਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛ ਲਵੀਂ, ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸ ਦੇਵੀਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਏ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਵੀਂ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਲਕਿਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰ ਰਹਿਮਤ ਵਾਹੂ ਵਲ ਗਫੂਰ ਵਦੂਦ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਉਹ ਮੌਤ ਵੇਂਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਰੀ ਅਬਦੁਲ ਮਤੀਨ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੇਗਮ ਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਮਤ ਸਿਆਬਾ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਹਿ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਬਸ ਕਰ, ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਕਬਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੀਚਾ ਵਦਨੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅਜ਼ਾਨ ਪੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਣ, ਅੱਧੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਪੂਰੀ ਅਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਸ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨੱਸ ਜਾਣਾ। ਯਸਤਾਖਿਰੂਨਾ ਸਾ ਵਲਾ ਯਸਤਕਦੇ ਮੂਨ, ਕੀ ਮਾਣ ਬਿਗਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਾ ਸਜਣਾ, ਕੀ ਮਾਣ ਬਿਗਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਾ ਸਜਣਾ, ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਾ ਮਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾ ਸਜਣਾ, ਕੀ ਮਾਣ ਬਿਗਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਾ ਸਜਣਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਗਾਫਿਲ ਮੌਤ ਬੁਲਾ ਬੈਠੇ, ਤੂੰ ਗਾਫਿਲ ਮੌਤ ਬੁਲਾ ਬੈਠੇ, ਦਿਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲਾ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵਣਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵਣਾ, ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਦੋਂ ਵਫਾ ਸਜਣਾ, ਕੀ ਮਾਣ ਬਿਗਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਾ ਸਜਣਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਦੇ ਕਫਨ ਵੀ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਮੁਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਮੁਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਮੁਕਣਾ, ਇਹ ਕੱਪੜ ਵੀ ਲੈ ਸੜ ਲਾ ਸਜਣਾ, ਕੀ ਮਾਣ ਬਿਗਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਾ ਸਜਣਾ।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਾਨ ਸਦਾ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਚਾ ਗਏ ਨੇ ਛੱਡ ਸਭ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗਏ ਸਜਣਾ ਕੀ ਮਾਣ ਬਿਗਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਾ ਸਜਣਾ ਅਗਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੋ ਕਿਆ ਖਬਰ ਹੈ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੌਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਗਏ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜਹੰਨਮ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹ ਤਵਜੋ ਕਰਿਆ ਹੈ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨੇਕੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਗੁਨਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਦਿਓ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਖਤੀਬ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਦੀਬ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮੁਹੱਦਿਸ ਆਇਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਬੈਸ ਨਾ ਕਰੋ ਬੈਸ ਨਾ ਕਰੋ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਡਰ ਹੈ ਕਰੀਏ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਪ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੌਬਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੰਨਤ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਹੰਨਮ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕੀ ਡਰ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਪਣ ਲੱਗਣ ਤੂੰ ਸੁੰਗੜ ਜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨੇਕੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਗੁਨਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨੇਕੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਗੁਨਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਗੁਨਹਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕੌਣ ਤਵਜੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਵਜੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਾੜੀ ਮੋਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਰੀਦ ਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਤਿੱਕਾ ਕਬਾਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੋ ਨਸ਼ਈ ਬੈਠੇ ਆਣ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਈਆ ਦਾ ਯਾਰ ਪੰਨੀ ਲੈ ਆ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਆ ਐ 100 ਰੁਪਈਏ ਦੂਆ ਦਾ ਯਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਕਬਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਆ ਬੋਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਰ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਗੀ ਚੰਗੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਪੱਗ ਬੱਜੀ ਹੋਵੇ ਐਡੀ ਦਾੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਕ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆ ਬੰਗੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਵੇਖੋ ਉਹ ਆਂਹਦਾ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਅਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਕੇ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
आंदा यार मेरा फोन आ गया, मेरे भाई का हादसा हो गया गड्डी दे अंदर, ते मैं जल्दी जाना चाहना, जो तैयार हो गए जल्दी छापरे पा दे। बकाया पैसे तो तेन मैं देख जा रहा, जेडे तिक्के ते रोटियां बकाए आए दो नशे ही बैठे इन्हों दे दे। रोजी तो परेशान है तो मेरे तेरे नाल तो नशा ही चंगा। कसम अल्लाह दी मैं उदां दा मैं इन्हां नूं पैसे दे छड़ना, पैसे नफरत करदा सी बड़ी यार, पता नहीं ना इन्हां दा किसदा केड़ा चंगा। वो आता रोटी का इंतजाम अल्लाह को माशाल्लाह। हो पंजा मिनटा तो भैड़े गया, उन्हें एक एक रोटी लेनी है, उन्होंने थब्बा रोटियां तो थब्बा उन्होंने लभ गए माशाल्लाह। हाय हाय अल्लाह वेंदा है गुनहगारा नू, वेख्या कि नहीं रब ने है। तू हमेशा नेरी वट्टी हुई है, तू दाढ़ी क्यों मनाना है, तू फिलान क्यों करना है। और यार अल्लाह उन्हें हौली हौली हदायत दे देसी, प्यार कर तवज्जो चाहिदी है अल्लाह दा ओ ज़मीर। वाह मेरे अल्लाह तेरे तो वड्डा मेहरबान कोई, तेरा नाम रहीम करीम अल्लाह, तेरी शान बुलंद अज़ीम अल्लाह, तेरा नाम रहीम करीम अल्लाह, तेरी शान बुलंद अज़ीम अल्लाह, आसमाना जमीन नू बनाया अल्लाह, इन्ना ना नज़ाम चलाया अल्लाह, समाना समीन नू सजाया अल्लाह, ओ गैबनू जानने अलीम अल्लाह, तेरा नाम रहीम करीम अल्लाह, तेरा नाम रहीम करीम अल्लाह, तेरा नाम रहीम करीम अल्लाह, तेरी शान बुलंद अजीम अल्लाह। उलादा देवे ना देवे अल्लाह, उलादा देवे ना देवे अल्लाह, खुशियां ते गम देवे अल्लाह, उम्र बहुती थोड़ी देवे अल्लाह, है ये न कयूम मुकीम अल्लाह, तेरा नाम रहीम करीम अल्लाह, तेरी शान बुलंद अजीम अल्लाह। गैर नू पुकार ना छोड़ दे, सब बुत खाने तोड़ दे, रब वल्ले हुण मुँह मोड़ दे, थोड़ा मेरा मालिक कदीम अल्लाह, तेरा नाम रहीम करीम अल्लाह, तेरी शान बुलंद अजीम अल्लाह। बलोच दी सुनदा रब रहमान, रब नू पुकारो कहिंदा कुरान, लास्ट मेरा ए बयान, राय शिरक बचाई करीम अल्लाह, तेरा नाम रहीम करीम अल्लाह, तेरा नाम रहीम करीम अल्लाह, तेरा नाम रहीम करीम अल्लाह, तेरी शान बुलंद अजीम अल्लाह। अल्लाह वेंदा है गुनहगारा नू, अल्लाह दे फरिश्ते ओ जमीन माप लो, ते नाल ही अल्लाह कह रहा है जमीन सुंगड़ जा। जदो ना मापी तो जमीन सुंगड़ गई, अल्लाह नू पता सी जमीन ज्यादा है ता ही क्या सी, जमीन सुंगड़ गई। अल्लाह दे किन्नी सुंगड़ी है, अखे जी एक गेट सुंगड़ी है, फरमाया सुंगड़ी तो है भावे इंच भी सुंगड़ जाए, मैं ये तो नहीं आखा किला सुंगड़े, सुंगड़ी तो है। जाओ फरिश्ते हो जड़े जनता नू आए हो, इनू ले जनता नू जाओ, बंदा वेंदा है नेको कारा नू, अल्लाह वेंदा है गुनहगारा नू। हाथ चुक के सुभाला चाहिदी है, उच्ची बोलो जोर दी बोलो, आए जे मेरा खुदा समझ आई ने कि अल्लाह गाफिर भी है, गफ्फार भी है,
नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम। एक कंजरी है, कंजरी आप गलना दोनों बड़िया मिठिया मिठिया करनी, बड़ी मिठी बात करनी है, क्योंकि इतों की जमात भी बड़ी मिठी है। साढ़ा भाई जन ना की है तारिक महमूद, बड़ा मिठा है। एक इन्हों का भाई है जैद यूसफ साहब, वह भी बंदा बड़ा मिठा है, इम्तियाज भी बड़ा मिठा है। ये सारी जमात ही मिठी। मैं अगे पाँगा, मैं पता होंगे ना, तो मैं इस रात रात इस सोना भी सी सुबह मुड़ मिठा जहाँ दरस दे देना, लेकिन आज तो बाद मैं इत रहा इंशाल्लाह, मैं मिठी जमात लगे तो मौसू भी अज मिठा ही है। सारी उम्र मैं कौड़ा सुनाया, अज मिठा हो। कंजरी कंजर खाना के अगर के आ रही है, दिल च ख्याल आया बामे कुत्ता ही है ते अल्लाह दी मखलूक। खाई कंजरी ते करके भी कंजर खाना आई आई, कुरान पढ़ के या कुरान सुना के नहीं आई आई। उसने अपने बूट दा लैके लकड़ी नाल बूट नू सुरा के दे, जेड़ा दुपट्टा है उस दुपट्टे नू फाड़ फाड़ के एक रस्सी बनाइए, पानी निकाल निकाल के बार बार जेड़ा गुड गुड गुट पानी आंदा सी उन्हों पिला रही है। कुत्ते दी जबान बाहर निकली हुई आई, जिथे गिली जगह है कुत्ता डिग पाउंदा ते जमीन ते जिब नू मारदा सी, उन्हों तरस आया भावे कुत्ता ही है ते सोने अल्लाह दी मखलूक। मैं रहम कर देवा ओ प्यारे ओ, असी अपनी मां रोंदी ते रहम कदी नहीं कीते, अपने अबू रोंदे दे जो कदी नहीं पूजे, अब्बा रोंदा रहे जाए अम्मा रोंदी रहे जाए, बिरादरी कटिंदी रहे जाए, रिश्तेदार टुटदे रह जान, भैन रोंदी रह जाए। अल्लाह मेरी तौबा, कंजरी ने कुत्ते ते रहम फरमाया। होया कि ये बुखारी दी हदीस है ते पाक नबी ने सहाबा नू सुनाई है। अल्लाह जदो कंजरी घर गई कुत्ते नू पानी पिला के उनू मौत आ गई, मेरे नबी ने फरमाया दाखल जन्ना। बंदा वेंदा है नेको कारण अल्लाह वेंदा है गुनेगार वाहू वल गफूर वदू। आए दे अल्लाह गफूर। आए अगे मुड़ चलिए, मेरे तकरीर दे दो टापक होने गए। अल्लाह प्यार किन्ना करदा ते अल्लाह माफ किन्ना करदा। वह वल गफूर वल वदूद, अल्लाह दे दो नाम पढ़ने कुरान च प्यारे हो। एक बाबा अपने मुंडिया नू जमा कीती खला, आंदा सारे नू मैं सांभिया, सारे मुंडिया नू पालिया, जदों तुसी नौजवान हुंदे गए मैं तुहानू व्याहंदा गया, थोड़े घर बनांदा गया, अज मैं वडेरा हो गया। ओ मेरे पुत्रो, अगर मैं थानू कोई हुक्म करा मेरा हुक्म मनोगे? सारे आदन जी क्यों नहीं, एक हुक्म भी नहीं मन सकते? जिन्ना सांभिया सानू, जिन्ना पालिया सानू, साड़िया शादियां कीतियां, साढ़े घर बनाए प्यारे हो। हूँ बुखी आंदा है, आंदा ओ बेटो जदों मैनू मौत आ जाए मेरी कबर नहीं बनानी, मैनू नवाना भी नहीं, मैनू गुसल नहीं देना, मैं गुसल दे काबिल नहीं। सारी उम्र
मैं करतूत करदा रहा, मेरे जिम्मे ने की कोई नहीं, जदो मेरी लाश होवे बात ज्यादा लकड़ियां दा ढेर मेरी जिस्म ते रखना, तेज अग होवे ते बहुत ज्यादा अग होवे, देर तक जल्दी रवे, मेरी चमड़ी भी सड़ के सुआह हो जाए, गोशत भी सड़ के सुआह हो जाए, हड्डियां भी सड़ के सुआह हो जान, देर फिर पिया ना रवे, कुछ मेरी सुआह नू समुद्रां दे विच बहा देना, हवावां जुड़ा देना, पानिया दे विच बहा देना, होया कि अल्लाह डर करदा है, ओ पानी मैं अल्लाह बोल रहा जी जी जी, अल्लाह हुक्म की है, जिन्नी इस बाबे दी सुआ है, बार खुशकी तो ढेर बड़ा, हवावां नू डर आया, ओ कोई आम अल्लाह है, ओ ते बादशाहां दा बादशाह, सुभान अल्लाह, एक जुमले नाल सारी दुनिया नू पैदा कर सकदा है, एक जुमले नाल सारी दुनिया नू तबाह कर सकदा है, एक उंगली ते सत्ते जमीन दा सत्ते समान खड़ा कर सकदा है अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जदो मुड़ अल्लाह ने बंदा बना लिया, अल्लाह पुछदा ओ बुढ़िया सारी उम्र गुनाह करदा रहा, आखिर तभी गुनाह दा हुक्म देखे आया है, ए काम क्यों किता ही, ओ अल्लाह जी मेरे जिम्मे ने की कोई नहीं आई, मैं सारी उम्र गुनाह ही करदा रहा, मैनू तेरे सामने खड़े उम्र तू हया आ गई आई, अल्लाह दा फरिश्तिया इनू हया ते आ गई आई, जा इस हया दी बरकत नाल इनू जन्नती बना दा। बंदा वेंदा है नेकोकारा नू, अल्लाह वेंदा है गुनेगारा नू, बाबे आता इनू एता नहीं पता, उन्हें नहीं सी ना पता, अल्लाह कादर भी है ते कदीर भी है, हर शेद कादर कदीर है तू, जो चाहे सो करके दिखा देने, पानी उत्ते जमीन खली आर देने, थम बाजा समान टिका देने, कोई अग दा बोरा लैन तुरदा तो पैगंबरी कर अता देने, मैं कुर्बान जा तेरिया कुदरत तू कदी इयो जे चक्कर चला देने, हजरत मरियम दी करण सफाई बदले, हजरत ईसा नू बोलण सिखा देने, बच्चे जमदे कदी नहीं बोल देने, पर तो ऐसे भी डो ढुका देने, हजरत यूसुफ दे जदो बहुतान लगदे उन्हां दी अहल दा बंदा बुला देने, माई ऐशा ते जदो बहुतान लगदे उदो आप शाद दा चा देने, बड़िया बड़िया दे तोड़ गुरूर देने, आकड़ खावां दी आकड़ गवा देने, करुण काफिर नू सने खजाने दे तो विच जमीन दन सा देने, अबरा काफिर बैतुल्ला नू ढाउण आया अबाबीला नू हुकम सुना देने, ओ चूचे जू ककरां गिरांदे ने पर तो उन्ना दे बंब बना देने, अगर हाथी नू मार ना होवे मकसद उन्दे सुंड ते कीड़ी लड़ा देने, भला हाथी ते कीड़ी दी की निसबत, अपने कुदरत दे मंजर विखा देने, कि दे काफ दे कुत्ते नू तार देने,
किते काफ दे कुत्ते नूं तार देना, किते नूं दा पुत डुबा देना, किसे किस्म दा खौफ ना डर तैनू अपनी पैदा ही कर रजा देना। तेरे सिफत दे मालका मुकनी नहीं, बलोच अपनी गल मुका देंदे। बाबे नूं ए नहीं सी पता अल्लाह कादर भी है ते कदीर भी है। ओ बाबे नूं ए भी नहीं सी पता अल्लाह गाफर भी है गफार भी है। नबी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम। बंदा वेंदा है नेको कारा नूं अल्लाह वेंदा है। इससे एक मात ते लंबी तकरीर मेरी चल सकती है लेकिन चलानी नहीं। अगले लफ्ज़ है वदूद। वदूद दा माना अल्लाह नूं ना प्यार बड़ा है ते अल्लाह प्यार नाल जो पाउंदा ना हस ये बड़ी गल आ जाती है चस। हाँ ठीक गल मेरी तकरीर दा तर्जमा है भी इन जी। अल्लाह नाम माँ नू प्यार बच्चे नाल कितना ज्यादा है। अल्लाह दा बंदिया मैनू तेनू जन्म दाखिल करना मेरा दिल नहीं करदा तेरे नाल मैनू नड़ी नूए गुणे माँ तुम्हें ज्यादा प्यार है। ताई तो किसे नू वेंदा ही नहीं वादा आज तौबा कीती है अल्लाह दा इक्को घर तां लई आई। ओए बाबे ने तो तौबा भी नहीं सी कीती बस हया कर छड़िया अल्लाह माफ़ी दे छड़ी अल्लाह दा तेरे नाल मैनू प्यार ही बड़ा है। प्यारे ओ हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला नू फौत हो गए। प्यारे नबी सिराने खलो के हसन लग गए। फता बसामा रसूलुल्लाह जिथे मेरा रब मुस्करा पवे वो शान बड़ी है। क्योंकि बंदा मुस्कराँदा या तो मजाक नाल ते या प्यार नाल। अल्लाह जदों भी मुस्कराया है ते प्यार नाल ही मुस्कराया है। मेरे नबी ने फरमाया ओ सियाबीओ ये बड़ा कीमती सियाबी है। जदों दा जनादा उठावन लगे साद दा रज़ी अल्लाह ताला नो सियाबा कहन लगे नबी जी चंगा कीमती है अज ते इंदा वजन ही कोई नहीं। चार पाई दा भी वजन साढ़े कंधे ते कोई नहीं। दस किलो दी चार पाई होनी तो चाहीदी है अज ओ भी वजन कोई नहीं। एक मन ते बंदे दा वजन होना चाहिए अज ओ भी वजन कोई नहीं। इतना बेवजना हो गया साद। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे यारा तनु पता ही नहीं इंज क्यों होया है। फरमाया की गल है। फरमाया जदो साद दा जनादा उठाया गया है 70,000 आसमाना तू फरिश्ते नजर हो गए इन्हें जनादे उठाने वास्ते। उन्होंने कंधिया से साद की चार पाई का वजन है। जिंदे जनादे उठाने वास्ते जनती जमात फरिश्ते आ जान जड़े एडिया शाना वाले यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफालून मा युमरून। जड़ी जमात सारी उम्र अल्लाह नाल कदी बगावत ही नहीं की थी। ओ जमात केड़ी नेक है सारी उम्र जिन्हों का खाना पीना ही रब की इबादत है। तवजो चाहिदी उन्हां दे कंधियां ते साद दी चार पाई दा वजन है। फरमाया तुसी फिर हस क्यों रहे हो। फरमाया मैं सिर्फ नहीं हस रहा मुहम्मद फरिश्ता ते इस अबी नूं वेख के हस रहा है। ज़ाइक अल्लाह इहनूं वेख के
ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਾ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਹੈ? ਵਹੁਵਲ ਗਫੂਰੁਲ ਵਦੂਦ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਘਰ, ਮਹਿਮਾਨ ਸੱਲੋ ਮਹਿਮਾਨ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੋ ਸੱਲਮ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ। ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਚੋਸਾ ਖਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਰਾਜ਼ੀ, ਰਹਿਮਾਨ ਰਾਜ਼ੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਓ ਮਸੀਤ ਵਾਲਿਆ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ, ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਤੈਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਵੱਢਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਮਾ ਸਕਣਾ? ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਾਓ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ, ਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਪਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਲੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਾ ਨਬੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ 40 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਪੁਛਾਏ, 2 ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲਾਂ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਾਜ ਹੋਈ ਮੈਂ ਮਿਰਾਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦੜਾ ਦੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹੰਮੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖੇ, ਔਰਤਾਂ ਰੋਵਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ, ਆਦੀਆਂ ਜੇ ਨੇਖੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਫਿਰ ਜਹੰਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਫਰਮਾਇਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸਾੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਜਹੰਮੇ ਦਾਖਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਜਮਾਤੀਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਨਿਓ, ਮੇਰੇ ਦੀਵਾਨਿਓ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੇਓਗੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਯਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਾ ਖਰਚਾ ਥੀਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਚਾ ਥੀਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਥੀਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖ, ਐਡਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਰੱਬ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਵੇਖੋ। ਹਾਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਓ ਮੇਰੇ ਸਿਆਬੀਓ, ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਹਿਮਾਨ, ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦੇਗਾ। ਸੱਚੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਬੋਲ ਉੱਠੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੋਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਨਹੋਵਾ ਇਲਾ ਵਾਹਿਯੂਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ
जबान बोलती नहीं, सच्ची जबान बोल उठी। जेड़ा मुहम्मद पाक दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मेहमान नू आज रात खाना खिलाएगा ओ जन्नत च जरूर जाए। हाय हाय सियाबी खड़ा हो गया हजरत अबू तलान सारी रजी अल्लाह ताला नू उस्तादां दे घर जो कुछ है इन्हां नू इत्थे बैठे नू पता है, मेरे घर जो कुछ है मैं उकाड़े तो आया 250 मील सफर बनता है, मैंने पता है मेरे घर चज की शायद की उत्तलान सारी नो कोई पता नहीं सी कि मैं जो मेहमान लेके जा रहा तो मेरे घर खाना किन्ना कह आंदा जी मेहमान मेरा हो गया तो जन्नत भी उच्ची नहीं बोले मेहमान भी मेरा हो गया तो जन्नत भी मेरी हो गई। मेरे नबी ने आख्या मेहमान भी तेरा हो गया तो जन्नत भी तेरी हो गई। उन्हें पता क्यों थापी मारी सीने ते, उन्हें पता है घर च बीवी है ते नेक है, पता उन्दी बीवी कौन आई जिन्हें गवारी अल्लाह दे अगे डिमांड रखी अल्लाह जी जे मेरी वजह तू मेरे खामिद मेरे तराजी है उवा औरा ताई जिंदा बच्चा फौत हो गया सी ते अपने खामिद नू मुंह धो के मिली हस के मिली उस रात खाने पकाए अगे एक खाना फिर दो तीन पकाए ताकि महसूस ना होवे ते बच्चे नू जल्दी जल्दी उन्ना कपड़ा छुपा छड़िया जेडे कपड़े धोवन वाले होंदे घर के अंदर बच्चे नू लम्मा मंजी ते भी नहीं पाया वेगे ते दसिया भी नहीं इंदी रात कंडिया ते ना हो जाए हस के मिली है ओ आंदे मेरे बच्चे दा की आला बीमार छड़ के गया सी अखे आराम करो सुकून करो परेशानियां ना लेना ओ अगे नालों भी सौखे च बच्चा बेगुना होंदा है तो जदों फौत हो जावे तो जन्नत गया तो जिहड़ा जन्नत गया अगे नालों सौखे च है कि कोई कूड़ भी नहीं मारिया ईमान ना चला जाए ते सच भी नहीं बोलिया वादे वादे ताकि खामिद परेशान ना हो। जिहड़ी औरत अपने खामिद नूं गल्लां कर करके परेशान कर देवे ओ औरत जहन्नमी है। जड़ी मुस्करा के मिले उन्हूं चैन हो जाएगा कि मेरे घर टेंशन कोई नहीं, भावें टेंशन इस तो बड़ी भी कोई आई घर च बच्चा फौत होया उस रात हक के ज़ौजियत भी अदा हो। मेरे नबी पाते के सरंग ताजा दे टाइम दोनों उठे ते उन्हें फिर पूछ लिया मेरा बेटा अगर सौखे च भी है तो भी खाता दे चुमा मैं मुँह चुमना चाहना आँधी है जो मैं माँ जो अमानत हो डायरेक्ट भी नहीं दसिया अज की औरत होंगी अजे पैर एक बिंदे का अंदर रोना से एक बाहर रोना सी थोड़े इलाके दियाँ तो औरतों से भी सना उल्ला दी लड़ी चू चंगी और किसी होर इलाके की खबर दे रहा क्योंकि मैं बच के भी जाना है अद्धा पैर बाहर रोना दंद रोना एडी लिस्ट तेरे चाचियों ने मैनू इंजा क्यों तेरे मामियों ने इंजा क्यों तेरे भाइयों ने इंजा क्यों मैं नक ते हो गई बस तेरा इंतजार कर रही थी बस मैं जा रही हूँ मैं राणा कोई नहीं ये मेरा ही गम है ओ सारी रात तारे गिणदा रह गो सिर बन के ओ जालिमा कल इनू ये लिस्ट कल पढ़ा देवा नाश्ता करा के अज इन सुख सकूँ पता नहीं कितों आया बेचारा किन्ना सफरा तो आया घर सुकून वास्ते आया वाह उम्मे सुलैम तेरी क्या शान है दिल ते चटान रखी ते आंदी है तेरा बेटा अगे नालों भी उस रात के ज़ौजियत भी अदा हुई मेरे नबी ते केस गया प्यारे नबी ने फरमाया ओ अबू तला बीवी तेरी है पर जीत भी उम्मे सुलैम दी है इयो ही ते जन्नती औरतां दी सिफत है उन्हें औंदिया मुस्कराया तां है ताकि तेरा दिल ना परेशान हो जाए जिहड़ी औरत बंदा राजी उस औरत खुदा राजी
ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹਨ, ਬੜੀਆਂ ਲੈਣ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਖਾਮਿਦ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਤਵੱਜੋ, ਉਹ ਔਰਤ ਆਈ ਜਿੰਨੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਪਾਰੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈ, ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਾਰ ਉੱਚੀ ਸੁਭਾਨ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ, ਮੁੜ ਬੋਲੋ ਮੁੜ ਬੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਤਵੱਜੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਮੇ ਸੁਲੇਮਾ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਪਕੀਜ਼ਾ ਬੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਪਕੀਜ਼ਾ ਬੰਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨਾ ਵਲ ਮੁਸਲਿਮਾਤ ਵਲ ਮੂਮਿਨੀਨਾ ਵਲ ਮੂਮਿਨਾਤ ਵਲ ਕਾਨਤੀਨਾ ਵਲ ਕਾਨਤਾਤ ਵਸਾਦਕੀਨਾ ਵਸਾਦਕਾਤ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਉਮੇ ਸੁਲੇਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਮੇ ਸੁਲੇਮ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਇੱਕ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਉਮੇ ਸੁਲੇਮ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਚਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਲੱਭ ਲਿਆਓ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਮੇ ਸੁਲੇਮਾ ਦੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਮਾਨ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੈਮਰ ਮਾਲੀਏ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਗੈਰ ਮੰਗਣ ਦੇ। ਆਖੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਖੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ, 14 ਤਬਕਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਏਗਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏ। ਉਮੇ ਸੁਲੇਮ ਚੀਖ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਵਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੀ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੀ ਆਈ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਰੋਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਈਆਂ, ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਰੰਟੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਜਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇ। ਆਂਦੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਲਬਦੇ ਪੈਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਨੇ ਬਾਨੇ ਨਾ ਸਵਾ ਦੇ, ਐਸੀ ਹੰਡੀਆ ਰੱਖੀ ਅੱਗ 'ਤੇ, ਐਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਪੱਕਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਤੜਫਦੇ ਤੜਫਦੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਾਸੂਮ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰਮ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ, ਲਾਲ ਭੁੱਖੇ ਹੋਵਣ 'ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੀਂਦਰ ਆਏਗੀ। ਆਏ ਈਓ ਰੰਗੇ ਵਾਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਨੇ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਉਮੇ ਸੁਲੇਮ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਚੜਿਆ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲਾਲ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਆਪ ਵੀ ਭੁੱਖੀ ਸੌਂ ਗਈ, ਤਾਜ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਧਾ, ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਦਿਆਂਗੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਬਹਿ ਜਾਵੀਂ, ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਜਾਵੀਂ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਹਲਾਂਦੇ ਰਵੀਂ, ਚਬਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਰਵੀਂ, ਆਵੇ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਚਬਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਰਵੀਂ, ਦਿਸਣਾ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਜਾਏ। ਮਹਿਮਾਨ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
आए हाय कैसी औरत है, भी एक औरत है दुनिया में। प्यारे नबी ने फरमाया ओ जिब्राइल आओ, कौन औरत है जड़ी मेरे तो पहले जन्नत चा गई है। फरमाया औरत तो उम्मे सुलैम है, थोड़ी फुफी जान है, तो लेकिन आप नहीं आई, इतनी रब न प्यारी लगती है, अल्लाह ने दे फोटो जनता विखा दिते ने। हाय हाय उम्मे सुलैम ने कार्रवाई की, जब सुबह का टाइम होया नमाज वास्ते अबू तला अंसारी आया, आम रूटीन के मुताबिक मेरे नबी नमाज टाइम आंदे आन, एक दिल से इतना लेट आया कि सूरज तलू होने लगा। वो फिर मैं कभी हदीस सुना, मैं एक हदीस से पूरी तकरीर है, वो फिर मैं कभी बयान करांगा कि एक दिन नबी पाक ना इतना लेट आए कि सूरज चढ़ने के करीब से। लेकिन किसी सियाबी ने ना इंज नहीं सी आख्या, इमाम नहीं आया तो सानू आंदा नहीं कुरान, मौलवी पट्ठे गदा रहे, पाँच मिनट लेट हो गया, इंज नहीं किसी आख्या। हालांकि 10,000 कुरान का कारी मेरे नबी ने बनाया सी। ते अब्दुल्ला बिन मसूद वह कारी है जिंदी आवाज़ भी जिब्राईल नाल ही मिलती, लेकिन उन्हें भी जमात नहीं करवाई कि इमाम साहब आन गए जमात फिर होएगी। मेरे नबी ने इजा जा नसरुल्ला तो कुरबला पढ़ के या सलाम फेरिया, तो फिर दस्या मैं लेट क्यों, ये फिर कभी सही, ये मेरा वादा रहा फिर, क्योंकि तुम मैनू कभी बुलाया नहीं, हूँ उदो बुलाओगे जो ये हदीस सुनावगा, ठीक है ना। हाँ इंशाल्लाह हुण तुसीं सदरो जरूर सदो। प्यारे दोस्तों जरा गौर करिया है, उम्मे सुलैम जदों रात मेहमान नाल कारवाई कर छड़ी तला अंसारी ने, ते मेरा नबी अगे ते हुंदा सी जमात दे टाइम, अज पहले आके बह गए, ते या मस्त नबवी दे विंद वड़े अबू तला फतह बसम रसूलुल्लाह, मेरा नबी हस पिया ते तला भी हस पिया। मेरा मां बाप कुर्बान होवे तुझे असे आज खैर है, अगे भी तो मैं नमाज पढ़ना आंदा सी, तुझे टाइम तू पहले आ गए, ये गल अजीब है। सियाबा भी सारे हैरान होए बैठे, तला अंसारी नूं कहणगे तेरे पारू आया, तेरे पारू, उच्ची तो बोलो होर बोल पहुंचू, बंदा ना ना आंदा तो मैं आज छड़ जाना तकरी। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मेरी रेस है इन्ना दिला भरे गए, उच्ची बोलो जी, इंज नहीं बोलते इन्ना दिला ही पढ़ो ताकि मैं ब्रेक तला तो जो कर। अच्छा बात हो गई, मेरे नबी ने फरमा, हज़रत अबू तला अंसारी फरमान लगे आज हस रहे हो, मेरा माँ बाप कुर्बान होवे खैर होवे किवें हस रहे हो। मेरे नबी ने फरमाया ओ तला अंसारी तेरे ते तेरी बेगम ते मैं जमीन ते मुस्करा रहा, जाही कल्ला उच्ची बोल ही कल्ला, मैं फरशां ते हस रहा अल्लाह अरशां ते हस रहा है, वहू वल गफूर वदूद। आजे अल्लाह जिते अल्लाह अज़ पवे ना, शहीद दे खून नू वेख के भी जाही कल्ला अल्लाह हसदा है। उनका खून इतना कीमती होंदा है कि घर बार छोड़े, बहन भाई छोड़े, रिश्तेदार छोड़े, खश कबीला छोड़िया, उन्होंने वेख के शहीद नू भी अल्लाह हसदा है।
मेहमान नवाज ते भी अल्लाह आज ना ए तारिक भाई ते भी अल्लाह से आ यूसुफ नहीं और रुमाल आला सूफी साहब आज जिंदे ते भी अल्लाह से आ भी वड्डा बिरा बैठ जिन्ना रोटी पकाई है आज उन्ना ते भी खुदा हसे आए हाय जिते रब भी हस पवे ते क्या बात। एक हदीस सुना के बात ख़त्म करना, आखिर मैं भी इंसान हाँ तो सीधा थकड़ा कोई नहीं क्योंकि मेरी तकरीर बंदा थकते घट जाए तो मैं आखिरी गल एक हदीस सुनाई प्यारे सोने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस केड़ी है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर जदों मेरे नबी सवार होंदे सवारी ते ये जुमला तीन बारी क्यों बोलदे सवारी वड्डी बड़ी है पर अल्लाह तू सबसे बड़ा है। फिर पढ़दे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अलहमदुल्ला तुसी आखोगे सवारी ते बह के अलहमदुल्ला की मेरे नबियां दे अल्लाह बड़े बड़ी दुनिया पैदल जा रही है मुहम्मद सवार हो रहा है ते मैं तां तेरियां तरीफां पिया करना अलहमदुल्ला। अगले अल्फाज सुनो इन्नी कद जलम तो नबसी जुल्मन कसीरन वला यग्फिर जुनूब इल्ला अंता सुबहान अल्लज़ी सखरना हादा मा कुन उसारतन याद है। ए हदीस जदो सुनाई हजरत प्यारे सोने अली ने ए हदीस सुनाई मेरे सोने नबी दे दमाद अली ने प्यारी अम्मी फातिमा दे सिर दे ताज अली ने हसन हुसैन दे बाप अली ने ओ खफाते खैबर अली ने ओ जन्नत दा वारिस अली ने मुसलमाना दी दिल दा बहार अली ने मेरा अली मेरा अली मेरा अली है मेरा अली मेरा अली मेरा अली है मेरा अली मेरा अली तेरा अली है मेरा अली मेरा अली सबका अली है मेरा अली रब का वली है। आद चौक के ऊंची ये देखो मेरा अली मेरा अली है मेरा अली मेरा अली तेरा अली है मेरा अली सब का अली है मेरा अली रब का वली है। दुल्हन बनी है फातिमा दुल्हा के मुर्तजा दुल्हन बनी है फातिमा दुल्हा के मुर्तजा दुल्हन बनी है फातिमा दुल्हा के मुर्तजा बंठन के ये बारात मदीने से चली है। मेरा अली मेरा अली है मेरा अली तेरा अली है मेरा अली सब गाली है मेरा अली रब का वली है। क्या जानता है शान तू मिलते रसूल की क्या जानता है शान तू मिलते रसूल की क्या जानता है शान उच्ची बोलो भाभीओ गज वज के बोलो भाभीओ कोई अज ना समझे अली नू नहीं मिलते आए जड़ा अली नू नहीं मिलता मैं उन्हों मुसलमान भी नहीं मनदा। मेरा अली है मेरा अली तेरा अली है मेरा अली सब का अली है मेरा अली रब का वली है। क्या जानता है शान तू मिलते रसूल की क्या जानता है शान तू मिलते रसूल की क्या जानता है शान तू मिलते रसूल की हसनैन की अम्मी जौजा अली है। मेरा अली है मेरा अली तेरा अली है मेरा अली सब का अली है मेरा अली रब का वली है।
अली पाक ने हदीस सुनाई ते अली हस पे से आबाद अली जी ए अल्फाज पढ़ लग्या सह क्यों है आदा नबी भी असे आन ते नबी नु पुछया सहाबा ने सुनियो ए अल्फाज पढ़ लग्या तुसी क्यों से फरमाया जिब्राइल भी असे आसी तुसी अजे भी नहीं असे ओ जिब्राइल नु मेरे नबी ने पुछया ओ जिब्राइल तू क्यों से आए आदा अल्फाज अल्लाह ने दिते अल्लाह भी असे आसी وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في بصرنا اللهم عافنا في سمعنا لا إله إلا أنت بسم الله بسم الله بسم الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويشفي صدور قوم المؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه في شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء يا الله جتنے آئے سب دی حاضری قبول فرما اللہ سب دا سننا قبول فرما اللہ میرا سنانا قبول فرما علامہ صاحب دا سنانا قبول فرما بھائیاں دا سننا قبول فرما گنہگار بڑے ہیں سیاہکار بڑے ہیں اللہ تو اپنی رحمت نال میرے سارے بھائیاں دے سارے گناہ معاف فرما اللہ جے گناہ ہو گئے معاف فرما دے نیکی ہو گئی ہے قبول فرما دے اللہ انہاں نوں صحت والی ایمان والی عزت والی لمبی عمر عطا فرما اللہ بیماراں نوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما کوئی دل دا مریض ہے شفا دے دے کوئی جگر دا مریض ہے شفا دے دے کوئی دماغی مریض ہے شفا دے دے اللہم اشف کل مریض ہر مریض نو ہر بیماری تو شفا دے دے اللہ انہاں نوں وافر مقدار وچ رزق دے دے پیارا رزق دے دے زیادہ رزق دے دے اللہ برکت والا رزق دے دے ہمیشہ رزق دے دے اے اللہ عثمان غنی طرح جذبہ سخاوت دے دے اللہ جن دے گھر جوان بچیاں بیٹھی ہیں جلدی تو جلدی اچھے مقول گھر دے دے اللہ جو اپنے گھروں نو چلیاں گئیاں ساری عمر سوریاں تے سکھ دے دے اللہ جنہ بیٹیاں نو سکھ دیتے انہوں نے نیک اولاد دے دے اللہ جنہ نو نیک اولاد دیتی ہے ماپیاں دی فرما بردار کر دے جنہ دے والدین زندہ نے صحت والی ایمان والی لمبی عمر فرما اللہ جنہ دے ماپے فوت ہو گئے انہوں دیاں قبروں نو جنہ دیاں کیاریاں بنا اللہ ایک دن سانو موت آئے گی کلمے والی موت عطا فرما قرآن والی موت عطا فرما اللہ نماز والی موت عطا فرما زندہ رکھی سلام تے موت آوے ایمان تے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر قلقہ محمد اللہ اس بھائی دی ماں فوت ہو گئی ہے دعا کرنا غریب بندہ اللہ اس بھائی دی امین و فردوس تے اللہ جتے جو کاری صاحب ہیں انہوں نے والدہ بیمار ہے دعا کرنا اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ کاری صاحب دی امی نو شفا دے دے اللہ کاری صاحب دی امی نو شفا کاملہ عاجلہ دے دے اللہ جو ساؤنڈ چلا رہے ہیں بڑا پیارا اس بھائی دی والدہ نو فردوس دے دے یا اللہ سنو سب نو معاف فرما دے وصل اللہ تعالی